रीवा जिले के हनवाना थाना क्षेत्र से एक गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले दो सगे भाइयों ने नाबालिग आदिवासी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और दोनों ही आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों भाइयों पर 376D के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण को पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध और दुराचार की रोकथाम के लिए सरकार और पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धर पकड़ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी की हैं। बावजूद इसके दुष्कर्म की वारदातें घटने का नाम नहीं ले रही हैं और समाज को कलंकित कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले हैवानों में भी अब कानून का खौफ खत्म होता सा दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए रीवा जिले की, तो बीते एक महीने के भीतर ही जिले के विभिन्न थानों में दुष्कर्म के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। ताजा मामला रीवा जिले के हनवाना थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर गांव के ही रहने वाले दो सगे भाइयों ने एक नाबालिग आदिवासी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए एकांत स्थान पर ले जाकर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बाद में परिजनों ने पीड़िता के साथ थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376D पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की और न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। घटी है हमारे साथ बलात्कार, क्या हुआ है बताइए पूरा घटना। बाहर उठे थे हम किसान चलने के लिए, हमें नहीं पता था ये मूर्त कौन थे। मूर्त थे मैं पापा का थे उकेश। हम्म, ये लोग हमारे मुंह चाप के रह गए। हम्म, हमको ये बोलने के लिए कह रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। हम्म, ये लोग हमें मारे। हम्म, मार के हमारे साथ बलात्कार किए। हम्म, पुलिस के द्वारा क्या किया गया। पुलिस के द्वारा कंप्लेन हम किए। हम्म, पुलिस कार्रवाई की। हाँ पुलिस कार्रवाई की है, ये लोग पकड़े गए। चलिए, क्या चाहती हैं आप। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। चलिए, क्या घटना हुई है साहब। हमारी लड़की बाहर उठी थी। हम्म, हम घर नहीं थे, हमारी लड़की बाहर उठी पेशाब करने। हम्म, तो मूर्त मनीष ने जबरी पकड़ के ले गए साहब। हम्म, अब यही बात है। हम्म, और इनके हम क्या कहें साहब, क्या करें क्या न करें। तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्या हुआ। पुलिस के द्वारा मौका हुआ, उनका कार्रवाई कानून किया गया। अब क्या चाहते हैं। हमें चाहते हैं साहब के हमारे लड़की की सुरक्षा चाहिए। वही मामले में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि हनवाना थाना पहुंचकर नाबालिग आदिवासी किशोरी ने परिजनों के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जहां गांव में पड़ोस के ही युवकों से उसकी पहले से जान पहचान थी। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को बहला फुसला कर बुलाया और बाद में भाई के साथ मिलकर जबरन एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बालिग हैं और आपस में सगे भाई भी हैं। इनके खिलाफ धारा 376D पॉक्सो और SC/ST के तहत मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। आरोपियों की पहचान मुकेश यादव और मूरत यादव निवासी अगरही के रूप में हुई। आइए सुनते हैं एडिशनल SP ने पूरी घटना के संबंध में क्या कहा है। हाँ, एक आदिवासी बच्ची है, लगभग 17 साल 11 वर्ष के आसपास की उम्र उसकी, हनुमाना थाना क्षेत्र में। उसने कल रिपोर्ट लिखाई थी अपने परिजनों के साथ आके, उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का जिसका कुछ पर्चे वगैरह था, और उसके द्वारा और उसके भाई के द्वारा पकड़ कर ले जाएगा और उसके साथ गलत काम किया गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें 376D साथ में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई हैं, एक की उम्र 22 वर्ष है और एक की उम्र 24 वर्ष। सर, घटना को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाई थे। सगे भाई राजवाटिका विवाह घर
सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।